हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि खबर आप सब तक पहुंची गई होगी कि शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। जी हाँ, ये पहली बार है जब पठान फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस की गई है। वैसे तो हम सब इस फिल्म का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी इस फिल्म के लिए हमें और इंतजार करना होगा। पहले ये फिल्म 2021 में ही रिलीज होने वाली थी। 2021 चले गया, फिर बाद में खबर आई कि अब इस फिल्म को इस साल 2022 में रिलीज किया जाएगा। सलमान खान ने भी कहा था कि टाइगर 3 इस साल दिसंबर में रिलीज होगी और पठान फिल्म को उससे पहले रिलीज किया जाएगा। लेकिन अब पठान फिल्म इस साल भी नहीं रिलीज होगी। यशराज फिल्म्स ने अनाउंस किया है कि अब पठान फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। जी हाँ, 2023 में रिपब्लिक डे के मौके पर पठान फिल्म आ रही है और ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। अब एक छोटी सी दिक्कत ये है कि पठान फिल्म के आने से कुछ फिल्मों की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। जी हाँ, वो फिल्में हैं ऋतिक रोशन की फाइटर और जॉन अब्राहम की तहरान। तहरान की रिलीज डेट भी 26 जनवरी 2023 है और आप तो जानते ही हैं कि पठान फिल्म में जॉन अब्राहम विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जॉन अब्राहम की दो फिल्में एक दिन आगे पीछे नहीं रिलीज होंगी। रही बात फाइटर की, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पठान और फाइटर को सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक डायरेक्टर की दो बड़ी फिल्में एक दिन आगे पीछे नहीं रिलीज होंगी। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन पठान फिल्म के आने से इन दो फिल्मों की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। इस वीडियो की बात करें तो जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण को तो दिखाया गया है, लेकिन शाहरुख खान के लुक को नहीं रिवील किया गया है। पर इस हल्की सी झलक से पता चलता है कि ये वही लुक है जो हमने थम्सअप के एड में देखा था। तो आप पठान फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। परिणाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जल्दी मिलते हैं पठान से। रणबीर कपूर की वो फिल्म जिसे लव रंजन डायरेक्ट कर रहे हैं, उस अनटाइटल फिल्म की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है। पठान फिल्म के आने से पहले ही इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है। जी हाँ, ये अनटाइटल फिल्म भी पहले 2023 में रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 8 मार्च 2023 को रिलीज होगी। फिल्म की घोषणा काफी पहले की गई थी, लेकिन अभी तक फिल्म का टाइटल अनाउंस नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि फिल्म का टाइटल क्या होता है। और राधे श्याम का सेकेंड ट्रेलर रिलीज किया गया है। पहले वाले ट्रेलर को देखें तो ये वाला ट्रेलर भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसे फिल्म देखने के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब भले ही ट्रेलर लोगों को उतना ना पसंद आया हो, लेकिन प्रभास की फिल्म है तो भाई लोग देखने जरूर जाएंगे। हाँ, ट्रेलर में जो प्रभास डायलॉग बोलते हैं उसमें उतना दम नहीं है जितना कि होना चाहिए था। तो डायलॉग में दम नहीं है, बाकी फिल्म का हिंदी डब कैसा होगा वो तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे राधे श्याम के इस नए ट्रेलर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर से पढ़ो मेरा हाथ, दूसरी बार पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। सूर्या की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म इथारकुम थुन्निधवन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में फैमिली ड्रामा के साथ साथ कॉमेडी और जबरदस्त एक्शन सीन भी देखने को मिल रहे हैं। सूर्या का लुक भी काफी अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं कि ये फिल्म कैसे जाती है। अब फिल्म के टीजर को हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन ट्रेलर जो है वो अभी तक हिंदी में नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि फिल्म का हिंदी ट्रेलर कब तक आता है। पेट की कटना नांदांडा जज। रियान रेनॉल्ड्स की मच अवेटेड फिल्म द एडम प्रोजेक्ट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। और जी हाँ, इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज किया गया है। अब जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी टाइम ट्रैवल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ट्रेलर काफी अच्छा है, तो देखते हैं कि फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है। ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज होगी। मतलब अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये तुम्हारे साथ पहले हो चुका है, या फिर हो सकता है। हमने टाइम ट्रैवल वाली कुछ ज्यादा ही फिल्में देखी थी। शिवा कार्तिकेय की अपकमिंग फिल्म डॉन की रिलीज डेट चेंज हो गई है। फिल्म इसी महीने 25 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 13 मई को रिलीज होगी। वरुण तेज की अपकमिंग फिल्म घनी की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। पहले ये फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भीमला नायक की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज होगी। देखते हैं इस बार क्या होता है। डीसी सुपर हीरो सीरीज टाइटन सीजन 4 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। पिछले तीनों सीजन काफी अच्छे गए थे, तो अब टाइटन्स का चौथा सीजन भी आने वाला है। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं कि रिलीज डेट कब तक अनाउंस होती है। हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म बुलेट ट्रेन में से ब्रैड पिट का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है।
ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे डेविड लीच डायरेक्ट कर रहे हैं, वही डेविड लीच जिन्होंने डेडपूल 2 और हॉब्स एंड शो को डायरेक्ट किया था। तो अब डेविड लीच ब्रैड पीट के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लेके आ रहे हैं। ये फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज होगी। आपको ब्रैड पीट की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।